उपन्यास का अगला अध्याय है विंध्याचल के हाथी। अगले दिन सम्राट हरिशयन विंध्याचल के वनों में थे। महासामंत ने बताया, पिछले दो हफ्तों से हमारे अनेक सैनिक विंध्य के जंगलों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। हाथियों का एक बड़ा समूह यहां से एक योजन दूर पर है। हम वहां आपको दिखाएंगे कि मगध के हस्ती वनों में किस तरह जंगली हाथियों को पकड़कर युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। पहले हम यह स्थल आपको दिखाएंगे, इसके बाद हम आपको इनके प्रशिक्षण केंद्र पर लेकर जाएंगे। वहां हमारे गजाध्यक्ष हेमराव आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सम्राट ने अपने साथ केवल विरोचन और कुछ अन्य अंगरक्षकों को ही साथ में रखा। हाका लगाने की आवाज दूर से आ रही थी। इधर नगाड़ों का तुमुल कोलाहल था, वहीं घबराए हाथियों का झुंड भी चिंघाड़ रहा था। प्रलय की हुंकार चारों ओर से आ रही थी। वन रक्षकों ने बताया कि अग्नि प्रज्वलित की जा चुकी है, जिससे हाथी घबरा गए हैं। उन पर चारों ओर से वन रक्षकों द्वारा प्रहार किए जा रहे हैं। थक कर वे शीघ्र ही बेहोश हो जाएंगे और उन्हें बेड़ियों से कैद कर प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जाएगा। पूरी तरह से सुरक्षित पाए जाने पर सम्राट को जंगल के भीतर प्रवेश दिया गया। सम्राट ने रक्त रंजित हाथी देखे और उन्हें नियंत्रित करने के प्रयास में घायल वन रक्षक भी। इतने बड़े मुठभेड़ के बावजूद जो अक्षत रह गए, उन वन रक्षकों से सम्राट हरिशयन ने बात की। इनमें सबसे वरिष्ठ वन रक्षक दुर्गम ने बताया, पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पर काम कर रहे हैं। बचपन से ही हाके में आ रहा हूं तो डर नहीं लगता। बचपन के कई साथी हाथियों के शिकार हो गए। मैं साथियों में अकेला हूं जो इतने साल जिंदा रह पाया। इसके बाद सम्राट प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे। प्रशिक्षण केंद्र बड़ा सा मैदान था। आज यहां गजाध्यक्ष हेमराव भी उपस्थित थे। हेमराव ने सम्राट हरिशयन का स्वागत किया। सम्राट हरिशयन बोले, आपको हमारे यहां आने का मंतव्य तो ज्ञात ही हो गया होगा। हेमराव ने कहा, जी अवश्य। मगध सम्राट के साथ आपके वार्ता के प्रमुख विषयों में हाथियों का व्यापार भी शामिल है। मुझे बलाधिकृत ने आदेशित किया है कि आपको हमारे हाथियों के गुणों के बारे में बताऊं कि किस प्रकार वे आपकी सेना के लिए उपयोगी हो सकते हैं। सम्राट हरिशयन बोले, मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से बता दूं, चतुरंगिनी सेना में हमारी हस्ती सेना सबसे कमजोर है। वाकाटक साम्राज्य को सबसे अधिक खतरा दक्षिण से है। चालुक्यों पर नियंत्रण मेरे लिए कठिन होता जा रहा है। ये छोटा राज्य जरूर है, लेकिन इनकी आक्रामक रणनीति कभी भी मेरे साम्राज्य पर गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। युद्धों में इनके हाथी मदमस्त होते हैं। इन्हें मदिरा पिलाकर शत्रु के खेमे में छोड़ दिया जाता है। महावत भी मदमस्त होते हैं। प्रतिष्ठान की लड़ाई में मैंने देखा था कि जब इनके हाथियों के समूह चिंघाड़ते हुए हमारे खेमे की ओर बढ़े तो कितनों के होश उड़ गए। उनकी चिंघाड़ और उड़ती धूल की आंधी ने मुझे भी दहशत में डाल दिया था। अपने पूरे रणकौशल से और अपने साथियों के हौसले से हम उन्हें परास्त कर पाए। तभी मैंने संकल्प लिया कि हस्ती सेना को मजबूत करना है। हेमराव ने कहा, न केवल हम आपको प्रशिक्षित हाथी देंगे, अपितु ऐसे लोग भी उपलब्ध कराएंगे जो हाथियों की भली भांति देखरेख कर सकें। आप जानते ही हैं कि मगध का सैन्य कौशल का इतिहास हजार साल का रहा है। हमारे ही पूर्वज बिंबसार ने रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियार निकाले जिनसे शत्रु सेना को गाजर मूली की तरह काटा जा सके। हाथियों के विषय में हमारी विशेषज्ञता चाणक्य के युग से बहुत आगे निकल चुकी है। सम्राट, आप भरोसा रखिए। सम्राट हरिशयन ने कहा, किस तरह की नई तकनीक? हेमराव ने बताया, हमने हाथी को पूरी तरह से हथियार में बदल दिया है। मगध के वात्या भट्टियों में गलने वाले सबसे उच्च कोटि के लोहे हाथी दांत में लगाए गए हैं। हाथी के हर अंग में बख्तर बंद है। आप समझिए कि ये बिल्कुल दौड़ने वाले भाले की तरह है। यही नहीं, हमने विंध्य के सबसे जहरीले सांपों का विष इन हाथियों के दांतों पर लगाया है। इसका स्पर्श भी प्राणांतक है। सम्राट हरिशयन बोले, मैंने सुना है कि कहीं कहीं पर हाथियों के सूंड में लोहे की गेंद भी लगाई जा रही है ताकि चोट बहुत मारक हो। हेमराव बोले, यह प्रयोग हुआ है, लेकिन इस प्रयोग के नतीजे हमारी नजर में संदिग्ध हैं। इसे लेकर हमने भी प्रयोग किए। मदमस हाथी को बिना लोहे की गेंद की दौड़ाया गया और लोहे की गेंद के साथ भी दौड़ाया गया।
सूंड में लोहे की गेंद लेकर दौड़ने पर उसकी गति मंथर रह गई। हम मारक क्षमता के साथ समझौता कर सकते हैं, अपनी सेना की गतिशीलता के साथ नहीं, सम्राट हरिशेन बोले। हस्ती सेना चतुरंगनी सेना का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन युद्ध की रणनीति सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वजों ने देखा है कि किस तरह कुषाणों और शकों की सेनाएं मध्य भारत में अपनी विशाल अश्वारोही सेना के चलते बढ़ती रही। तीरंदाज अश्वारोहियों ने ऐसे तीर बरसाए कि हाथियों का संतुलन ही बिगड़ गया। उनकी व्यूह रचना भी विलक्षण रही। कई बार ऐसा हुआ कि हमारी हस्ती सेना के प्रमुखों को समझ ही नहीं आया कि आक्रमण किस तरह से किया जाए। दक्षिण के शासक अपनी हस्ती सेना के साथ मानसिक युद्ध कर रहे हैं। मैं उनसे कई गुना शक्तिशाली हस्ती सेना के साथ मुकाबला करूंगा, हेमराव ने कहा। आप निश्चिंत रहें, हमारे विशेषज्ञों ने सासानियन राज्य के परे भी प्रोकोपियस तक को सेवाएं दी हैं और कभी किसी तरह की शिकायत नहीं रही। सच बात कहूं तो गुप्त साम्राज्य के खंडहर को हम इन्हीं हाथियों से बचाए धन के बूते कमाए हुए हैं।